की न्यूज़। तब बताइए क्या ये सच्चाई अंजना कश्यप ने दिखाई, क्या ये सच्चाई रूबिका लियाकत या किसी नेशनल मीडिया ने दिखाई? अगर हां यूपीए सरकार होती, मनमोहन सिंह की सरकार होती, तब क्या होता? अगर मोदी जी पद यात्रा कर रहे होते इस तरह की बड़ी बड़ी लाइनें, बड़े बड़े हेडिंग्स सरकार के, ये है वो राहुल गांधी की ताकत, ये है वो राहुल गांधी जो बोलता है और सीधे सीधे मोदी का गरेबान पकड़ करके बोलता है। अरे सरकार जरा सा चौराहे पे चलो, लेकिन सरकार है वो वोट मांगने नहीं निकला है, वो भारत के लोगों को एक संदेश देने निकला है कि चलिए जोड़ते हैं भारत को। और इसी भारत को जोड़ने की तस्वीर आप देखिए, अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं कि उसके वीडियो चला सके। जी हाँ, मुस्कुराता हुआ वो राहुल गांधी, जी हाँ, जो मुस्कुराता है तो गालों में उसके डिंपल पड़ जाते हैं शाहरुख खान के जैसे। जी हाँ, आशाएं उसके साथ चलता हुआ वो जनसमूह कि वो नेता केवल पैसे कमाने के लिए कांग्रेस में आए थे। तो साफ है गंदगी साफ होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी जीत क्या राहुल गांधी का ये जज्बा कोई सामना कर पाएगा? क्या 56 इंच का सीना दिखाने वाला प्रधानमंत्री जो चौराहे पर आने की बात करता था, आज चौराहे पर तो आए नहीं, सिक्योरिटी में, जेड सिक्योरिटी में घूमता फिरता है, अपने दोस्तों को भी जेड सिक्योरिटी प्रदान कर देता है जिन्होंने इस देश को लूटा है। जी हाँ, वो मुंह नहीं दिखा सकता, जनता का मुंह नहीं दिखा सकता, चौराहे पर नहीं आ सकता। जो बोलता था कि अगर देश के साथ में बुरा कर दूंगा तो मुझे चौराहे पर ले आना और घसीट लेना, मेरे जूते मारना, ही पता नहीं कितनी घटिया भाषा में बात करता था एक नेता 2014 में। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति घूमता है पूरे देश में जिसकी चर्चाएं पूरे देश में जोरों पर चलने लगती हैं, लेकिन मोदी मीडिया के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं कि उसके वीडियो चला सकें। जी हाँ, मुस्कुराता हुआ वो राहुल गांधी, जी हाँ, जो मुस्कुराता है तो गालों में उसके डिंपल पड़ जाते हैं शाहरुख खान के जैसे। जी हाँ, आशाएं उसके साथ चलता हुआ वो जनसमूह, वो अकेला जब सीना अकड़ाता है अपना तब वो वीडियो वायरल हो जाता है। जी हाँ, वही राहुल गांधी केवल इस देश को जोड़ने की यात्रा पर चला हुआ है। जी हाँ, नारियल पानी पीता हुआ राहुल गांधी, जी हाँ, आम आदमी की तरह सड़कों पर घूमने वाला राहुल गांधी केवल भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहा है, वो वोट मांगने नहीं निकला है, वो भारत के लोगों को एक संदेश देने निकला है कि चलिए जोड़ते हैं भारत को। और इसी भारत को जोड़ने की तस्वीर आप देख रहे होंगे जो बराबर में चल रही होगी। जी हाँ, इसी का नाम राहुल गांधी है जो आंधी है हिंदुस्तान की, उस उन पूर्वजों का डीएनए है जिसके खून में जिन्होंने अपनी संपत्ति इस देश को आजादी दिलाने के लिए दान कर दी थी, वो डीएनए है इसके खून में जिसने अपने दादी को भी खोया, अपने बाप को भी खोया। अरे क्या किसी संघी ने इतनी कुर्बानी दी? आज जो महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, सबका नाम लेते हैं, आज जितने भी नेता कांग्रेस के अंदर थे, जो कांग्रेस छोड़ के जाते हैं, समझ में आ जाता है कि वो नेता केवल पैसे कमाने के लिए कांग्रेस में आए थे। तो साफ है गंदगी साफ होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी जीत बता रही है कि देखिए साहब कोई नहीं है, देखिए हमने गोवा से तोड़ लिए। लेकिन पब्लिक की नजरों में जितनी बेइज्जती भारतीय जनता पार्टी की हो रही है मैं आपको बता नहीं सकता। भले ही गोदी मीडिया लखीमपुर खीरी के बारे में पता नहीं कौन सी भ्रामक चीजें डालती रहे, उसके बारे में भी वीडियो होगा, लेकिन यहाँ बात चल रही है इस देश के प्यारे, इस देश के न्यारे राहुल गांधी के बारे में जिसका जादू चल निकला है। और जादू चल भी निकला है केवल इसलिए क्योंकि वो अपनी यात्रा में कभी भारतीय जनता पार्टी की बुराई नहीं करते, कभी मोदी के खिलाफ कुछ बोलते नहीं हैं, कभी वो तोलते नहीं हैं, बस चुप रहते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं और कारवा लंबा होता चला जाता है राहुल गांधी का। उनके साथ बढ़ने वाले लोग जिनके बारे में लग्जरी की बात की जाती है, वो लग्जरी वाले लोगों के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। जी हाँ, उम्मीद से ज्यादा लोगों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है, जिन कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया गया वो कार्यकर्ता भी उसमें शामिल हो जाते हैं।
ये है वो राहुल गांधी की ताकत, ये है वो राहुल गांधी जो बोलता है और सीधे सीधे मोदी का गरेबान पकड़ करके बोलता है, अरे सरकार जरा सा चौराहे पे चलो। लेकिन सरकार है कि जेट सिक्योरिटी के पीछे रहेंगे, लेकिन 56 इंची सीना किसका हो सकता है। 56 इंची की जब बात करते थे प्रधानमंत्री मोदी तो 56 इंची बोलते रहते थे, लेकिन 56 इंची क्या कभी सड़कों पर निकला ये प्रधानमंत्री? कभी दाढ़ी बढ़ा लेता है, कभी अपना रूप बदल लेता है जैसे कोई मायावी राक्षस हो। अरे प्रधानमंत्री राक्षस, अरे नहीं बोल सकते, उनको गलत बात है। मायावी प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, इतने रूप बोल सकते हैं, जो कई सारी ड्रेसें पहनते हों, जो ड्रेसें आज तक ना मतलब रिपीट ही नहीं की, इतनी ड्रेसें इनके पास होंगी। वैसे मैं इतिहास बता दूं, जितने तानाशाहों का इतिहास मुझे पता है कि उनके पास तो पता नहीं दर्जनों भर चप्पलें होती थी, दर्जनों भर ड्रेसें होती थी। और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में एक न्यूज और चलने लगती है, एक वीडियो डाला जाता है पेट्रोल के बॉन्ड्स के बारे में, वो भी जरा देख लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये विषय से हटके है, बात तो राहुल गांधी की कर रहे थे लेकिन ये यहाँ पर डालना बहुत जरूरी है। पेट्रोल डीजल पर जब भी बात होती है कुछ लोग ऑयल बॉन्ड का जिक्र करते हैं, अब से कोई ऑयल बॉन्ड का जिक्र करे उन्हें वीडियो जरूर दिखा दीजिएगा दोस्तों, ये डालना बहुत जरूरी है। ये यहां मैं करीब 1,00,000 करोड़ डाल रहा हूं। लेकिन कन्याकुमारी से कश्मीर, भारत माता की तस्वीर, भारत माता के नारे लगा करके किसी को पीटना तो बहुत आसान होता है, किसी को भी गद्दार कह देना आसान होता है, लेकिन भारत माता को जानने के लिए सड़क सड़क पग पग डंडी नापनी पड़ती है। लेकिन यहां एक खेला और होने जा रहा है। जी हां, सबको लगी है कि प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में हम आगे हैं। यहां बहुत सारी सियासतों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने आस्तीन में पाला हुआ है, सांपों की तरह नहीं दोस्तों की तरह। कांग्रेस ने जरूर महागठबंधन के नाम पर इन आस्तीनों के सांपों को पाला हुआ होगा। बहुत से ऐसे खुलासे जो होते रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी की ये जो यात्रा है बस इसी तक में सीमित रहना चाहूंगा। गोवा में जो हुआ वो हुआ, लेकिन बात लखीमपुर की भी करना चाहूंगा और वक्त मिला तो जरूर बात करूंगा। पहला वीडियो राजीव गांधी के कपड़ों के ऊपर मैंने डाला था दोस्तों, आज मैं 56 इंची से सवाल पूछता हूं कि 56 इंची मोदी विदेश की यात्राएं हवाई जहाज में और बड़े महंगे महंगे हवाई जहाज में जो आपने खरीद के मंगाया है करते रहते हो, क्या कभी प्रधानमंत्री के तौर पर आपने पद यात्रा की देश का हालचाल जानने के लिए महंगाई के ऊपर? जबकि आपकी सरकार के खुद आंकड़े हैं कि 4.5 करोड़ सिलेंडर द्वारा भरवाए नहीं गए। कितने खोखले हैं आप प्रधानमंत्री मोदी जी, कितनी खोखली है आपकी सरकार, लेकिन उस पर आपका मीडिया कोई बहस नहीं चलाता। उनके लिए राहुल गांधी की टी शर्ट जरूर एक सनसनीखेज खबर बन जाती है, और जब जूता मुंह पर पड़ता है तो पता नहीं किस बिल में घुस जाते हैं आपके वो भक्त, जो भक्त आपका दिन रात प्रचार करते रहते हैं। ये वही राहुल गांधी है जिसको अध्यक्ष पद की लालसा नहीं है, जहां बात चल रही है कि अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन यह मुश्किल ये है, हवाएं ये भी चल रही हैं कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री भी रहेंगे और अध्यक्ष भी रहेंगे, ऐसा कैसे संभव है? जहां एक नेता देश को जोड़ने के लिए निकला है, कांग्रेस का वो सपूत गांधी का वो सपूत, यहां कांग्रेस के नेताओं की चाह मरने का नाम नहीं ले रही, इसको क्या कहेंगे दोस्तों? क्या इस पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए? क्या इस पर बात नहीं की जानी चाहिए? लेकिन 100 बात की एक बात कहूं तो ये बात मानने वाली होगी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे लोग भी जुड़ने लगे हैं जो लोग कभी एकदम अपने आप को बाहर समझते थे, ये समझते थे कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं हैं, ऐसे ऐसे लोग पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उनके खाने का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है। कारवां शुरू हुआ था 350 से 3,500 तक पहुंच चुका है। यह है आज की न्यूज, तब बताइए क्या ये सच्चाई अंजना ओमकश्यप ने दिखाई, क्या ये सच्चाई रूबिका लियाकत या किसी नेशनल मीडिया ने दिखाई? अगर हां यूपीए सरकार होती, मनमोहन सिंह की सरकार होती, तब क्या होता अगर मोदी जी पदयात्रा कर रहे होते इस तरह की?
बड़ी बड़ी लाइनें, बड़े बड़े हेडिंग्स सरकार के करप्शन के खिलाफ निकाले जा रहे होते, बोला जा रहा होता राफेल के मामले में मनमोहन सिंह दोषी, बेरोजगारी के मामले में मनमोहन सिंह दोषी, कोरोना के मामले में मनमोहन सिंह दोषी। लेकिन आज गूंगा मीडिया डरता है, गलत पैसा कमाने वाले लोग ईडी आईडी और सीबीआई से डरते हैं। लेकिन राहुल गांधी सीना चौड़ा कर करके जब थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, डर फैलने लगता है भारतीय जनता पार्टी के संघी भक्तों में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।